यह आपका LG टॉप लोड वॉशिंग मशीन का एरर कोड आपको दिया गया है, और यह हर एक पॉलिसी IE इसका अलग वीडियो है, UE इसका अलग वीडियो है, PE इसका अलग वीडियो है, यानी हर एक पार्ट का अलग अलग वीडियो हम बनाए हुए हैं। सिर्फ यहाँ पर एक साथ आपको सारा डायग्राम आपको दिखलाया जाएगा। तो इन एरर कोड के बारे में ज़्यादातर दिया हुआ है, उसके बाद कुछ एसी वगैरह डायग्राम के बारे में दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको ये LG टॉप लोड वॉशिंग मशीन का एरर कोड आपको दिया गया। उसके बाद फिर भी ये भी LG का ही है टोटल। ये आपको नहीं कि अगर सारा एरर कोड अगर मालूम रहता है तो आपको काम करने में बहुत सुविधा रहता है। तब क्या होता है कि एरर कोड आपको मालूम रहेगा तो काम करने के लिए जाइएगा तो बहुत जल्दी इतने कि कम टाइम में आप वहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाइएगा। एरर कोड अगर मालूम नहीं रहेगा तो फिर फॉल्ट पकड़ते रहिएगा, खोजते रहिएगा, पता नहीं चलेगा आपको। ये सब का प्रयोग करके वीडियो का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। ये आपका हेयर वॉशिंग मशीन का एरर कोड दिया गया, इन दो एरर कोड बतलाएँ इसमें E4 E3। ये दोनों एरर कोड के बारे में आपको पहले से अलग अलग वीडियो बनाए हुए हैं, तो वीडियो लिस्ट में जाकर आराम से खोज सकते हैं अगर समझ में नहीं आए तो। बाकी ऐसे फॉल्ट आपको आगे लिखा हुआ है। ये भी आपका हेयर का ही है, E1 और E2 के बारे में, उसमें पूरा डिटेल्स में अलग अलग वीडियो हम बनाए हुए हैं, तो इसका भी आप चाहेंगे तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं वीडियो रोक करके। ये सैमसंग टॉप लोड वॉशिंग मशीन की एरर कोड दिया गया है, तो इसमें देखिए कितना है, यानी कि 1 2 3 4 5 एरर कोड आपको दिया गया है। तो पाँचों का आप स्क्रीन शॉट ले लेंगे, कभी भी आप काम करने में बहुत सुविधा होगी, एरर कोड रहेगा आसानी से आप काम कर पाइएगा। ये तो आपको हो जाएगा लगभग किस चीज़ का सेक्शन पर ये आपको AC का है आपका एरर कोड, C4 A6 E जो है AC का आपको एरर कोड हो जाता है। जो है आपको डेक्कन का है, 13 14 यहाँ देखिए डेक्कन का, डेक्कन ए सी का एरर कोड आपको यहाँ पर दिया गया है, 13 का एरर कोड दिया गया इधर, और इधर 13 14 से लेकर 18 तक इधर यहाँ पर दिया हुआ। तो दोनों का आप यानी कि AC के एरर कोड के बारे में आप यहाँ पे आसानी से समझ सकते हैं। ऐसे भी अलग अलग वीडियो हम बनाए हुए इसे। ये आपका हेयर AC का है, वो भी इन्वर्टर का, इन डेक्कन का वाला भी दिख रहा है वो भी इन्वर्टर AC था, और ये मेरा हेयर का भी इन्वर्टर AC है, इसका भी एरर कोड साथ लिखे हुए हैं। इस सब का आपको एरर कोड आसानी से मिल जाएगा। ये देखिए गीजर का वायरिंग डायग्राम, इस सब का अलग अलग वीडियो हम बनाए हुए गीजर का वायरिंग डायग्राम। अगर वीडियो पसंद आए चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये सैमसंग इन्वर्टर AC का एरर कोड दिया गया है, वोल्टाज इन्वर्टर AC का एरर कोड दिया गया है, गोदरेज का भी दिया हुआ है। जहाँ जहाँ जरूरत पड़े आप रोक करके वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। ये आपका सिंगल डोर फ्रिज का वायरिंग डायग्राम दिया हुआ, कंप्रेसर हो गया आपका, बल्ब हो गया, डोर स्विच हो गया, थर्मोस्टेट, ये मेन पावर सप्लाई हो गया। ये आपका आउटडोर का है, स्प्लिट सिम जो आउटडोर यानी जॉइंटर कैपेसिटर के साथ जो हम वायरिंग करते हैं कंप्रेसर और फैन मोटर का, उसका वायरिंग डायग्राम देखिए आसानी से दिया हुआ है, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं रनिंग स्टार्टिंग कॉमन कैसे करना और कैसे कनेक्शन किया जाता है। ये देखिए आपको स्प्लिट AC में कॉन्ट्रेक्टर के साथ जो वायरिंग रहता है उसका वायरिंग आपको दिया गया है, कॉन्ट्रेक्टर वायरिंग इसमें डबल पोल हम ऐसे बतलाए हुए हैं, आप सिंगल पोल का भी सेम यूज कर सकते हैं। जब हम 220 वोल्ट AC लिखे इसका आप पूरा डिटेल्स में वीडियो बनाए हुए हैं, तो वीडियो लिस्ट में जाकर इसको पूरा आसानी से समझ सकते हैं अगर दिक्कत हो तब। ये आपका विंडो सिक वायरिंग डायग्राम दिया हुआ है, ये देखिए एक स्विच दिया हुआ, रेगुलेटर दिया हुआ और पंखा कंट्रोल करने का विधि लिखा हुआ, ये टू वे स्विच कनेक्शन बतलाया गया है। इस सब का अलग अलग वीडियो आपको मिल जाएगा वीडियो लिस्ट में जाने के बाद। RO का वायरिंग डायग्राम आपको दिया गया है यहाँ पे, ऐसे सीधा करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। RO का ये वायरिंग डायग्राम है, यानी 24 वोल्ट 2 SMPS रहेगा उसमें 24 वोल्ट DC बनाने के लिए, और पंप मोटर सोलेनाइड 24 वोल्ट चलेगा, और यहाँ पर UV जो है 12 वोल्ट DC चलेगा। ये चीज़ आपको रनिंग स्टार्टिंग कॉमन 5 वायर में पकड़ने के लिए बतलाए हुए हैं। अब तो ख़त्म है आपको ये चीज़, वीडियो पसंद आ जाए सब्सक्राइब जरूर करिएगा।